चौंतीस और 14, 48 साल में तो 70,000 करोड़, और 8 साल में जो है वो 3.19 लाख के करीब, तो आपका 5 गुना बढ़ गया, करीब 5 गुना। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया हमारे टाइम पर, तो यूनिवर्सिटियाँ बढ़ी, वही थर्मल पावर लगे, एम्स बढ़ी, इंस्टीट्यूशन बड़ी खड़ी हुई है जी, बड़े बड़े IIM बने, और ये अब तो कोई प्रोजेक्ट आया नहीं, फिर ये कर्ज किस लिए बात का बढ़ा दिया। तो बस ये है, कर्जा लो और घी पियो और मौज करो, यो कंसेप्ट हो गया। मतलब आप मतलब कर्जा चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए, ब्याज के लिए भी आप कर्जा ले रहे हो कि ब्याज इतना है। आप इसमें देखो 35% कर्जा लिया जा रहा है, 30% जो है उसमें जो बजट में देखोगे ना आप, तो कैटेगरिकली है भाई, जो देनदारी है वो 30% इस बजट की देनदारी में जाएगा, और 35% उस देनदारी के लिए हमने कर्जा ले लिया। तो कर्जा और ब्याज चुकाने के लिए मतलब दे दिया कर्जा। तो इस बात पे ये जो अनुभवहीन लोगों की सरकार है और सब कुछ जो है इससे नाराज है, चाहे कर्मचारी है, किसान है, चाहे युवा है, और उसी बात को लेकर याद से आज जोड़ो यात्रा, जो मेरा कल का प्रोग्राम है 12-13 दिन का मेरा चैप्टर गांव का है, वो मैं आपको इसमें कागज है मेरा प्रोग्राम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।